तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो न गाजर का हलवा और न ही गाजर की खीर, न ही गाजर की मिठाई, फिर भी इसमें आपको बहुत ही शाही टेस्ट मिलेगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। गाजर की बिल्कुल अनोखी और नई रेसिपी, जिसे आप गेस्टों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या मीठा खाने की क्रेविंग हो, झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं घर के ही सामान से। तो देर किस बात की है, बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर। गाजर की इस यूनिक और अनोखी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 3 गाजर, और ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम है। इनको मैंने अच्छे से धो के छील लिया है, इनका पीछे वाला और जो आगे वाला पार्ट होता है इनको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको काट लेंगे, चाहे तो इस तरीके से बीच में से 2 पार्ट करेंगे। पहले देख लेंगे हमारी गाजर जो है अंदर से ज्यादा पीली तो नहीं है, व्हाइट तो नहीं है। अगर पीली हो तो आप उसका पार्ट बीच वाला निकाल दे, अगर वो ज्यादा पीली होती है ना तो उससे क्या होता है, हमारी जो मिठाई बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इनको इस तरीके से कट कर लें। मैंने अपनी सभी गाजरे कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं सारी गाजरे एकदम लाल हैं और अंदर पीला और व्हाइट पार्ट नहीं है। और जो इस तरीके की गाजरे होती है ना, बहुत मीठी होती है। अब मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसके अंदर अपनी सारी गाजरें डाल लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध। आप मेजर के लिए घर की कोई एक कटोरी सेट कर लें, उसी से सब चीजों का मेजर करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। हमने अपनी गाजरें पीस ली हैं, एकदम बारीक पीसी हैं, बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं हैं। इसी तरीके से हमें अपनी गाजरें पीसनी है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उसमें 2 चम्मच गाजर निकाल लेंगे, और इसका क्या यूज करना है मैं रेसिपी में आगे बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस अपनी ऑन कर लेंगे, और कढ़ाई में डाल देंगे हम 1 चम्मच घी। घी हमारा जैसे ही मेल्ट होने लगेगा हम डाल देंगे इसमें गाजर वाला जो हमारा पेस्ट है वो। तो हमने इसमें गाजर को डाल लिया है, एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध। तो हमने 1/2 कप दूध पीसने में यूज किया था, 1/2 कप दूध हमने यहाँ पर डाल लिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उबले हुए दूध का ही यूज करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर 1/2 कप मैं सूजी डाल रही हूँ, तो 1/2 कप सूजी में हम 1 कप दूध का यूज करेंगे। और मीठे के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून चीनी। वैसे तो हमारी गाजर मीठी है, आप चाहे तो यहाँ पर आप मीठा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है ताकि जो हम बॉल्स बनाए ना वो उसमें मिठास आ जाए। और अपनी रेसिपी को और टेस्टी बनाने के लिए 1/4 कप मैं डाल रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको डो फॉर्म में आने तक मिला लेंगे। तो आप 2-3 मिनट बाद देखेंगे इस तरीके से ना डो जैसे एक जगह सिमट गया है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, अपनी जो गैस है उसको बंद कर देंगे, और अब हम इसको एक बड़े बोल में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा सूजी और गाजर का जो डो है ना ये ड्राई ना हो। देख लेते हैं आगे क्या करना है। फिर से साफ करके सेम कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे पानी, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 कप दूध। तो यहाँ पर हम फुल क्रीम दूध का यूज कर रहे हैं, कोशिश करें फुल क्रीम दूध का ही यूज करें, इससे जो हमारी मिठाई है बहुत ही टेस्टी और रबड़ीदार बनती है। दूध में एक उबाल आ जाने देते हैं, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गाजर का पेस्ट बचा के रखा था ना इसको इसमें डाल देंगे। इससे 2 काम होगा, ना तो हमें इसमें केसर या कलर डालने की जरूरत है अच्छे कलर के लिए, और इससे ये होगा कि हमारा जो दूध है ना गाढ़ा भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को कम गैस पर पका लेंगे जब तक ये 2 या 2.5 कप नहीं रह जाता। इसको दूध को हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। इसी के साथ यहाँ पर मीठे के लिए मैं 1/2 कप डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो दूध को हम कम गैस पर उबलने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देख लेते हैं अब हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सूजी और गाजर का डो था ना ये भी अच्छे से सेट हो गया है, और जब ये गर्म रहे तभी हमें इस काम को करना है। क्या अब हम क्या करेंगे, इसको मल के अच्छे से चिकना कर लेंगे ताकि इसमें गुठली या लम्स ना रहें। तो मैंने इसे मल के अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम पहले अपने हाथ क्लीन कर लेते हैं। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और हाथ को ग्रीस कर लेंगे, और डो में से लेंगे छोटा सा पोर्शन, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, इस तरीके से छोटा ही लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बहुत बड़ी बॉल्स बना लेंगे ना तो क्या होगा, ये स्टीम होने पर फूल जाती हैं, तो ये ऑलरेडी हो जाती हैं। तरीके ना इस तरीके से हम इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। डो लेंगे, गोल करेंगे,
प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। लीजिए यहाँ पर मैंने सभी अपने बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं और इतनी सूजी से हमारी बन गई हैं 40 से 45 बॉल्स। अब मैंने क्या किया था, दूध ढकने वाली जो हमारी जाली होती है ना, इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम। तो एक एक करके हम इस पे अपनी सारी बॉल्स रख दें, थोड़े थोड़े गैप पर रखें क्योंकि ये स्टीम होने के बाद क्या होता है ना, फूल जाती हैं। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसको लेकर चलते हैं स्टीम करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ना पानी ले लिया है, एक से डेढ़ गिलास पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो जाली है ना इसके ऊपर रख देंगे और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक स्टीम कर लेते हैं। इनको स्टीम होते हुए 5 मिनट हो गई है, वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं साइज में भी बड़े हो गए हैं और अच्छे से स्टीम हो गए हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और इसको इसमें से निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर काफी हद तक हमारा जो दूध है वो भी रिड्यूस हो गया है, इससे ज्यादा हम रिड्यूस नहीं करेंगे। और जो हमने सूजी की बॉल्स बनाई थी ना, वो भी ठंडी हो गई हैं और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉल्स इसमें डाल देंगे, क्योंकि अगर दूध को ज्यादा रिड्यूस कर देंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और जब हम इसमें सूजी की बॉल्स डालेंगे ना तो ये भी अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब करेगी। डाल दी है सभी बॉल्स, अब हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं ताकि जो हमारी बॉल्स हैं अपने अंदर दूध एब्जॉर्ब कर लें। इन्हें पकते हुए हो गई हैं 5 मिनट, तो इन्होंने अपने अंदर अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे पिस्ते, थोड़े से बादाम फ्लेक्स और एक छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनको चला लेते हैं तो हमारी गाजर की यूनिक डिजर्ट बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं, कर लेते हैं इसको सर्व। तो अब हम अपनी इस अनोखी मिठाई या रसमलाई को कर लेते हैं सर्व। लग रही है ना एकदम मार्केट में जैसी रसमलाई मिलती है, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो बच्चे बड़े सबको इतनी पसंद है कि गाजर के हलवे से ज्यादा इसी को खाना पसंद करते हैं। एक पीस आपको कट करके दिखा देती हूँ, देखिए कितने नरम बने हैं और बहुत ही जूसी है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। ये देखिए एकदम जूस ना इसमें अंदर तक भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको इस सर्दी एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि अब गाजर का सीजन जाने वाला है, ज्यादा दिन गाजर नहीं रहेगी बाजार में। और खाकर मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मैं तो चलिए इसको गर्मा गर्म खाने, आप कब बनाने कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं यहाँ पर आपको ना इसकी एक खास बात और बता दूं, इसकी खास बात ये है आप इसको गर्म गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा कर भी आप इसे खा सकते हैं, दोनों तरीके से खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।